আগামী 20 অক্টোবর বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল প্রজেক্টের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানালেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্ত। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলার মানুষ এই বিমানবন্দরের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় বাণিজ্যিক বিমানবন্দর এই বাগডোগরা বিমানবন্দর। নির্বাচনের পর থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সাংসদ রাজু বিস্ত। সেই মতো বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল প্রজেক্টের জন্য মন্ত্রিসভায় 15,000 কোটি টাকার বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়। और आपके माध्यम से समस्त जनता को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता का एक और सपना पूरा होने जा रहा है। और हमारा सपना था कि जो बागडोगरा एयरपोर्ट है वो भव्य बने, विशाल बने, और आज जिस तेज़ी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी भी उसी गति के साथ आगे बढ़े। मैं केंद्र सरकार, विशेष करके मोदी जी का आभारी हूँ कि बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति दी है, जिसका कल प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअली कल यानी 20 अक्टूबर शाम को 3 बजे कावाखली के इस मैदान में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और ऑलरेडी इसका टेंडर हो चुका है और हम सब का टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर में भव्य विशाल जो है बागडोगरा एयरपोर्ट का बिल्कुल नया जो है टर्मिनल खड़ा होकर के तैयार होगा। कल्पना करिएगा, आज 10,000 स्क्वायर मीटर से कम का स्थान में वो टर्मिनल बिल्डिंग बना हुआ है, और जब ये बन के तैयार होगा 70,400 स्क्वायर मीटर, मैं दोबारा बता रहा हूँ 70,400 स्क्वायर मीटर का, यानी 7 गुना से भी बड़ा भव्य जो है ये टर्मिनल बिल्डिंग होगा, जिसके अंदर में एयरक्राफ्ट एयरबस 321 उतरने के लिए और उनको पार्क करने के लिए 10 एरो ब्रिज के बेस बनेंगे। और ये बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न जो है टर्मिनल होगा। और इसके साथ ही जहाँ तक पैसेंजर्स की कैपेसिटी का सवाल है, पीक आवर के अंदर में 1 घंटे में 3,000 पैसेंजर को हैंडल कर सकता है, इतना बड़ा होगा। और साथ ही साथ जहाँ बहुत कठिनाई होती है आज ट्रैवलिंग करने में, जब ये बिल्डिंग बन के तैयार होगा साल में 2 करोड़ पैसेंजर को जो है एकोमोडेट कर सकता है, इतना विशाल होगा। और इस टर्मिनल के बनने से इस क्षेत्र में टी हो, टूरिज्म हो, ट्रेवल हो और होटल इंडस्ट्री हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर हो, जो हमारी यात्री है, ट्रेड हो, व्यापार हो, विद्यार्थी हैं, मरीज जो बाहर जिनको जाना आना रहता है, उन सब के लिए ये सुविधाजनक होगा। और इसके कारण मात्र सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग नहीं बल्कि पड़ोस का जो हमारा राज्य है बिहार को भी इसका लाभ होगा, सिक्किम को भी इसका लाभ होगा, आसाम को भी इसका लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश को भी इसका लाभ होगा। और 2 साल के अंदर बन करके ये जनता के लिए समर्पित होगा। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि 104 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी, उसमें कुछ डिफेंस के पास था, उसके अलावा के राज्य सरकार ने उसको कराने में जो है सहायता की। सो कुल मिलाकर ये एक बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट और एक एसेट जो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की जनता को केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है।